the Dawn Express. Aina Sashka. नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा आपके लिए खास खबर लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। लेकिन खबर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि द डॉन एक्सप्रेस की हमारी ये वीडियो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जब आप वीडियो को अंत तक देख लें तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं और प्रेस बेल आइकन दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक खास रिपोर्ट के साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रियंका सौरभ की रिपोर्ट से, जो एक रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, कवियत्री और स्वतंत्र पत्रकार भी हैं। वो लिखती हैं कि पड़ोस में शांति हो तो इंसान चैन की नींद सोता है, लेकिन यह शांति तभी बनी रह सकती है जब पड़ोसी के साथ साथ हम भी शांति के पक्षधर हों और ये समझ आ जाए कि क्या पड़ोसी शांति के लायक है भी या नहीं। खासकर चीन और नेपाल के साथ क्षेत्रीय विवाद के चलते अपने पड़ोस के साथ भारत की विदेश नीति अब बहस का एक सक्रिय विषय है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र, जो 8 देशों का घर है और हिंद महासागर क्षेत्र है, भारत के पड़ोस के व्यापक भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत आता है। विस्तृतीय पड़ोस की सोच आज भारत की एक कूटनीति के तौर पर सामने आई है, मगर ये अन्य देशों की विस्तारित सोच से काफ़ी अलग है जो उन क्षेत्रों के साथ भारत को जोड़ती है जो आवश्यक रूप से भारत से सीमाओं का साझा नहीं करते हैं, लेकिन संस्कृति, सभ्यता और आर्थिक संबंधों को साझा जरूर करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की केंद्रीयता और क्षमताओं को देखते हुए पारंपरिक रूप से भारत का क्षेत्र, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में और काफ़ी हद तक पश्चिमी हिंद महासागर में प्रसार रहा, जिसमें भूगोल, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रणालियों का वर्चस्व है। जी हाँ, ये उनकी रिपोर्ट के अनुसार है। वो आगे भी ये बताती हैं कि भारत की पड़ोसी नीति एक लंबा रास्ता तय कर सकती है अगर इन पहलुओं को तत्पर नवीन हार्ड पावर संशोधन या सॉफ्ट पावर रणनीतियों के उपयोग द्वारा ठीक से बैकअप लिया जाता है। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और विचारों को रचनात्मक रूप से प्रचारित करके क्षेत्रीय राज्यों के साथ अपनी सभ्यता संबंधों को और बेहतर बनाया जा सकता है। ये बदले में भारत की पड़ोसी नीति का स्वर्णिम एवं मजबूत समय दे सकता है। भारत को अब उदार पड़ोसी होने के साथ साथ सजग होना भी बेहद जरूरी है। जी हाँ, ये लिखती हैं, एक बार फिर से आपको बता दूं, प्रियंका सौरभ, जो रिसर्च स्कॉलर है, कवियत्री है, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार भी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एक दूसरी रिपोर्ट की। अब बात करते हैं ओला उबर की। संसद की एक समिति ने कैब सेवा प्रदाता कंपनियां ओला उबर के वरिष्ठ पदाधिकारियों से सवाल किया कि क्या स्त्री पुरुष देखकर समय और यात्रियों के मोबाइल में बचे बैटरी पावर के हिसाब से आप किराया निर्धारित करते हैं। डेटा सुरक्षा विधेयक 2019 से संबंधित संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी ने बताया कि समिति में शामिल सभी दलों के सदस्यों ने किराया तय करने की प्रणाली, चीन के निवेश और डेटा के आदान प्रदान के संदर्भ में सवाल किए। उनके मुताबिक समिति ने दोनों कंपनियों से हलफनामे के तौर पर लिखित जवाब देने को कहा है। उन्होंने पूछा कि क्या स्त्री पुरुष समय और यात्रियों के मोबाइल में बचे बैटरी पावर के हिसाब से किराया निर्धारित किया जाता है। उन्होंने कहा कि ओला और उबर से उनकी अपनी कार्य होने के संदर्भ में सवाल भी किया, जिस पर दोनों के अधिकारियों ने बताया कि उनके पास अपनी कारें हैं। सूत्रों का कहना है कि उबर के अधिकारियों ने बताया कि कंपनी के पास करीब 4000 कारें हैं। इस साल के आखिर तक कार ड्राइवर्स को वो दे दी जाएंगी और उबर सिर्फ कैब सेवा प्रदाता बन रहा है। जी हाँ, गौरतलब है कि समिति ने कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के साथ साथ टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी पेश होने के लिए कहा, जिस पर रिलायंस जियो, इन्फोकॉम और जियो लिमिटेड की प्रतिनिधि पेश हुए हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर सत्यवान सौरभ जी की रिपोर्ट की, जो रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, कवि हैं, स्वतंत्र पत्रकार भी हैं। वो लिखते हैं कि वर्तमान दौर में ये बात सही साबित हो रही है कि कुछ दक्षिणा लेकर भी बदनाम हो गए, कुछ पूरी रात हलाला कर भी नेक निकले। बहुत से कवियों ने, शायरों ने, साहित्यकारों ने इस देश से पैसे और पहचान ली, लेकिन लोग सांप्रदायिकता का जहर घोलकर अपने कद को बड़ा करने की कोशिश में लगे रहते हैं और जात पात एवं धर्म के झगड़ों को बढ़ावा देकर
कवि धर्म का दांव पर लगा देते हैं। जी हाँ, मुनव्वर राणा कई बार अपनी इन हरकतों के कारण कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं। मोदी सरकार आने के बाद तो ये हर जगह मजहब के पहलुओं को ढूंढने में लगे रहते हैं। इन जैसे तथाकथित बुद्धिजीवों का दम अब धर्मनिरपेक्षता के मुखौटे में घुटने लगा है। यही वजह है कि मोदी राज में अपना मुखौटा उतार कर अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। उनमें हिंदू और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है जिसका अंदाज़ा उनके बयान और उनके लिखे शब्दों से लगाया जा सकता है। ऐसे कथा कथित बुद्धिजीवों में ये विवादित शायर मुनव्वर राणा भी शामिल हैं। आतंकवाद और बलात्कार जैसी घटनाओं को वो हिंदू मुस्लिम का चोला पहनकर देश विरोधी चाले चलना गद्दारी का पुख्ता सबूत देती हैं। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है। उनकी रिपोर्ट में जो आज मैं को बता रही हूं, वो साथ ही लिखते हैं कि लव जिहाद और राणा जैसे बयान दो समुदाय के बीच नफरत पैदा करते हैं। ये किसी एक राज्य, देश या समुदाय तथा समिति नहीं बल्कि विश्वव्यापी समस्या बनता जा रहा है और इसके शिकार मासूम लड़के लड़की नहीं बल्कि हम सब होते जा रहे हैं। धर्म के ठेकेदार हमेशा ऐसे मौकों को अपना हथियार बनाते हैं। गंगा जमुना तहजीब का हवाला देकर ऐसी घटनाएं करवाना इनके कारनामों को अंजाम देता है। प्रेम और आतंकवाद को धर्म की दीवारों में फंसाकर देश धर्म का कमज़ोर करना कतई उचित नहीं है। एक ऐसे और सच्चे कवि साहित्यकार का पहला धर्म वहाँ मिट्टी के प्रति वफादारी और राज्य में अमन चैन लाना होता है। खैर, इन सब के बावजूद यही कहना चाहते हैं कि लाल तिरंगे की रहें बस इतना हरमान, मरते दम तक मैं रहूं दिल में हिंदुस्तान। जी हाँ, एक बार फिर से आपको बताती हूँ ये चंद लाइनें। लाल तिरंगे की रहे बस इतना अरमान, मरते दम तक मैं रहूं दिल में हिंदुस्तान, तभी इस मिट्टी का कुछ ऋण अदा होगा और जीना सार्थक होगा। ये थी रिपोर्ट डॉक्टर सत्यवान सौरभ जी की। अब चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बात करते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप को भारत में UPI बेस्ड व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस लॉन्च करने की इजाज़त मिल चुकी है। पिछले कुछ सालों में लगातार फेसबुक भारत सरकार से यहां व्हाट्सएप पे लॉन्च करने को लेकर बातचीत कर रही थी। व्हाट्सएप पेमेंट की टेस्टिंग भी भारत में हो चुकी है और कुछ यूजर्स को ये फीचर बतौर टेस्टिंग मिला भी है। हालांकि NPCI से इजाज़त तो मिली है, लेकिन ये शुरुआत में 20 मिलियन यूजर्स रजिस्टर करने की कैंपिंग है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने व्हाट्सएप को UPI बेस्ड सिस्टम भारत में लॉन्च करने की इजाज़त दी है और कहा है कि इसे चरणों में दिया जाए। जी हाँ, NPCI के मुताबिक व्हाट्सएप अपने UPI यूजर्स बेस्ड को क्रेडिट मैनेजर के एक्सपेंड कर सकता है और इससे मैक्सिमम यूजर्स बेस 20 मिलियन का हो सकता है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा व्हाट्सएप पे का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि ये सेफ नहीं है और इसमें फ्रॉड ज़्यादा होगा, क्योंकि भारत में व्हाट्सएप का यूज़र बेस्ड काफ़ी बड़ा है और ऐसे में पेटीएम को इसकी सीधी टक्कर मिलने की पूरी उम्मीद है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले फेसबुक पे का ऐलान किया गया था। ये यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम फेसबुक के हर प्लेटफॉर्म के लिए है और ये साफ नहीं है कि व्हाट्सएप में फेसबुक पे का सपोर्ट मिलेगा या फिर व्हाट्सएप पे के नाम पे भारत में कंपनियां कोई सर्विस लॉन्च करेंगी। रॉयल इनफील्ड आज भारत में अपनी मेटियोर 350 बाइक को लॉन्च करने जा रहा है। रॉयल इनफील्ड 350 को थंडरबर्ड के रिप्लेसमेंट के तौर पर लॉन्च की रहा है। आपको बता दें, दोनों ही बाइक्स में काफ़ी समानता है, लेकिन 350 में थंडरबर्ड की तुलना में काफ़ी नए फीचर्स हैं। साथ ही इसे कंपनी बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर तैयार कर रही है। रॉयल इनफील्ड मेट्रियोर 350 LED RL और LED टेल लाइट, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन इन सब से काफ़ी अलग है। खास बात यह है कि रॉयल इनफील्ड 350 ब्लूटूथ कनेक्टेड से भी लैस है। जी हाँ, तो अगर आप रॉयल इनफील्ड खरीदना चाहते हैं तो उसकी नए फीचर के साथ रॉयल इनफील्ड मेट्रियोर 350 देख सकते हैं। फिलहाल द डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक करें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी वीडियो को अंत तक देखने के बाद सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल साथ साथ, और फ्रेंड्स और फैमिली में हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे जल्द। नमस्कार।